दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित तरकार डायरी न्यूज़ में आपका स्वागत कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मनीष शुक्ला जी हैं, जो कि गायत्री डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रमुख है, और ये जो सेंटर है श्री नरेंद्र वाजपेयी जी सामाजिक विकास ट्रस्ट द्वारा जो है संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन दिनों जबकि स्वास्थ्य सेवा के लिए बहुत मारामारी बची है, उस समय इस प्रकार के सामाजिक सेवा के सरोकार से संस्थान चलाना कितना मुश्किल हो रहा है और क्या क्या दिक्कत आती है और इसकी पृष्ठभूमि क्या, इस विषय पर बात करेंगे। अमनी जी, पहले तो आपका स्वागत है, और तत्काल टाइम के दर्शकों के लिए हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने जो ये सामाजिक संस्था बनाई है कब से बनाई है, और इस सामाजिक संस्था के माध्यम से ये सोनोग्राफी सेंटर जो आपने खोला है, सोनोग्राफी सेंटर ही क्यों खोला है, इसका पीछे क्या कहानी है? पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका जैसा कि प्रश्न है कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है, अन्य सेंटरों से इस सेंटर में बहुत फर्क है। एक बेसिक उद्देश्य इसमें देखे चले थे हम समाज सेवा का, उसको ध्यान में रख के ये सेंटर चालू किया गया है। इसका अन्य सेंटरों में और इसमें बेसिक अंतर है, यहाँ का हमारा उद्देश्य एक समाज सेवा को लेके इसको सेंटर को चालू करना है। यहाँ का स्टाफ का व्यवहार अन्य जगह कॉमर्शियल स्टाफ का व्यवहार में बहुत फर्क है। वहाँ के अन्य सेंटर जो हैं वो आर्थिक लाभ के आधार पर संचालित हो रहे हैं, ये हमारे जो सेंटर है आर्थिक लाभ पर संचालित नहीं होते हुए केवल सामाजिक सेवा के दृष्टिकोण से संचालित हो रहा है। यहाँ के शुल्क दूसरे सेंटरों से बहुत कम है और यहाँ की सेवाएं भी उत्कृष्ट है। मनीष जी, हम जानना चाहते हैं कि आपकी इस जो ट्रस्ट के संस्था के माध्यम से चल रहा है, यहाँ किस प्रकार के लोग आते हैं और उनको यहाँ की जानकारी मिलती है, और किस प्रकार के आप, जैसा आपने बताया कि सामाजिक संस्था सरोकार रखते हैं, तो किस प्रकार की सुविधाएं आप देते हैं, और आपने बताया कि यहाँ कुछ मार्केट से अलग आप सुविधाएं दे रहे हो, वो क्या क्या हैं? पंडित जी, यहाँ पर वर्तमान में इसको सेंटर को चालू करे 1.5-2 साल हो गए हैं। यहाँ पे शुरुआत सोनोग्राफी से सीख की गई थी। सोनोग्राफी के साथ साथ इसमें पैथोलॉजी भी ऐड की गई है, और भविष्य में इसमें सीटी स्कैन, एमआरआई और अन्य एक्सरे सुविधाएं भी ऐड करने की प्लानिंग है। मैं थोड़ा सा विस्तृत आपको जानकारी दे दूं कि सामाजिक नरेंद्र वाजपेयी सामाजिक विकास संस्था जो है, ये किसी तरह कोई दान नहीं दे रही है, कोई डोनेशन नहीं दे रही, कोई चंदा नहीं दे रही है, गवर्नमेंट की किसी एजेंसी से किसी तरह का कोई आर्थिक लाभ नहीं ले रही है। इसका संचालन मेंबर्स द्वारा स्वयं के आर्थिक स्रोतों से किया जा रहा है। उसके बाद एक नॉमिनल चार्जेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, केवल उतना चार्ज जितने में ये सेंटर संचालित हो सके, बस उस उद्देश्य को लेके सेंटर संचालित है। आपसे चूंकि बातचीत चली है, मौका मिला है, तो हम नरेंद्र वाजपेयी जी के बारे में भी जानना चाहेंगे कि उनकी याद में अपनी संस्था बनाई है, तो वो बतौर पत्रकार थे, हमारी उनसे मुलाकात होती थी और पत्रकारिता में भी उनका नाम था। उनकी प्रेरणा, किस प्रकार से प्रेरणा आप उनसे पाते हैं, और आगे क्या क्या करना चाहते हैं उनकी स्मृति में संस्था के माध्यम से? वाजपेयी जी का, स्वर्गीय वाजपेयी जी का जीवन बहुत ही सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। उन्होंने अपने जीवन काल में कई सामाजिक कार्य किए हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने अपने जीवन काल में कई गरीब बच्चों को लिए शिक्षा का व्यवस्था की है, वार्षिक फीस और किताबों की व्यवस्था करी है, नियमित रूप से ये वो काम करते रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कई गरीब बच्चों की, गरीब कन्याओं का कन्यादान करा है, और इसके साथ साथ उन्होंने कई और भी सामाजिक कार्य करते रहे हैं। वो पत्रकार भी थे, वो सामाजिक सेवा भी करते थे, साथ साथ वो शिक्षक भी थे, तो उनकी जो विचार थे उन्हीं को हम इस गायत्री डायग्नोस्टिक सेंटर के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। मनीष जी, इन दिनों जबकि कोरोना काल चल रहा है, सेकेंड वेव चल रही है, हमने देखा पिछले साल भी स्वास्थ्य के संबंधित जो अनियमितता फैली थी और कई लोग आपदा में अवसर खोज रहे थे, खासकर मेडिकल स्वास्थ्य विभाग में कई लोगों ने मशीनें बेची है, ब्लैक मार्केटिंग करी। इन दिनों भी जब इंजेक्शन की, ऑक्सीजन की चल रही है, उस कार्यकाल में आप एक सामाजिक सेवा का संकल्प लेके ये सेंटर चला रहे हैं, क्या लगता है ये इस प्रकार की जो गतिविधि है स्वास्थ्य सेवाओं में किस प्रकार के इंगित करती है, और आप एक अच्छे पवित्र उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगा कि इस प्रकार की जो चल रही है वो इस प्रकार की भावना को नुकसान पहुँचा सकती है? मामा जी, पंडित जी, मेरा ये मानना है कि मानव जीवन अनमोल होता है जी। इसको जीने के हर व्यक्ति के अपने अपने सिद्धांत होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं, तो कोई व्यक्ति इसको सही दिशा में ले जाना चाहता है, कोई की सोच सिर्फ अपने तक सीमित होती है। अब जिस तरह की अभी वर्तमान स्थितियां हैं, इसमें हर व्यक्ति अपने तरह से कार्य कर रहा है,
जैसे कि हमारी संस्था है आज भी पुराने रेट पर ही काम कर रही है, रियायती दरों पे काम कर रही है। कोरोना काल में लोगों ने अवसर तराशा, ब्लैक मार्केटिंग करी, कई चीजें करी, पर हम इस सब चीजों से दूर है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में स्पष्ट कर दिया कि ये सेंटर आर्थिक लाभ के आधार पर काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ सामाजिक सेवा की दृष्टि से संचालित है। इसलिए अन्य सेंटरों से इसमें अंतर है, अन्य लोगों से इसमें विचारों में अंतर है। और वर्तमान काल में कोरोना काल में भी हम उसी रेट पर काम कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो ज़रूरतमंद है उस क्षेत्र के जो नागरिक है जिनको रियायती दरों में इलाज की आवश्यकता है, वो आपकी संस्था के माध्यम से अपने अच्छे स्वास्थ्य को पा सकते हैं। और गायत्री डायग्नोस्टिक सेंटर जो कि नंदा नगर में स्थित है, हम उम्मीद करते हैं कि हम इस इंटरव्यू नीचे कैप्शन में भी पता दे रहे हैं ताकि जो ज़रूरतमंद है वो यहाँ आके इलाज करा सकें और आपके सामाजिक संकल्प और सरोकार में सहभागी बना सकें। आपने तत्काल टाइम से बात करी, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।